अब हम सीधे अपने दर्शकों को मध्य प्रदेश ले चलते हैं। मध्य प्रदेश के मंडला में मोहनिया पटपाड़ा जगह है, यहाँ पे पुन्नूलाल नंदा मौजूद हैं। ये किसान हैं, 3 एकड़ की इनकी जमीन है। पुन्नूलाल जी, आपको मदद मिली है, पहुंची है रंगदे की इस मुहिम से, जरा दर्शकों को बताइए क्या आपका अनुभव रहा? जी मैम, ये जो रंगदे का ये जो लाभ पहुंचा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। हम किसानों की जो इसमें लॉकडाउन के तहत हम लोगों को जितना जो मैं अपने बारे में बात कहने जा रहा हूं दर्शकों को कि मेरे 3 एकड़ जो जमीन है उसमें मैं कुछ 2 एकड़ में गेहूं लगाया था और 1 एकड़ में सब्जी, तो आधा एकड़ में बैगन और आधा एकड़ में टमाटर। तो उसमें हमको बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि मार्च के महीने में लॉकडाउन का ये प्रक्रिया शुरू हो गया और हम मार्केट तक नहीं बेच पाए, इससे हमको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ऐसे मेरे जैसे लघु किसान, छोटा किसान, बहुत सारे लोग इनमें जुड़े हुए हैं। हम मंडला ट्राइबल पीसी है, आशा के थ्रू उसमें काम करते हैं। मतलब हम सब किसान सब्जी और कुछ गेहूं बीज उत्पादन का काम करते हैं। तो हम लोग अपना फसल बेचने में सोसाइटी में बड़ी मजबूर है। तो मैं कहने चाहूंगा कि रंगदेश से जो भी किसानों को मदद मिलेगा जी, उसमें हम खाद बीज के कर पाएंगे ये खरीफ के लिए। अभी 20,000 तक, 50,000 तक हम किसानों को अगर रंगदे से मिल जाता है तो खाद बीज का जरूर 50,000 में काफी कुछ हो पाएगा उस इस अमाउंट से। थैंक यू सर, आप हमारे साथ बात करने पे, थैंक यू सो मच इंडिया।